ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स. दिस इज क्लास 10th फिजिक्स एंड टुडे वी आर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन स्पेरिकल मिरर. बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल वी टेक अ रिकेयर. तो हमने पढ़ा था डियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, वेयर एफ फोकल लेंथ. द व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस. एंड व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज. यू, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर. एंड लीनियर मैग्निफिकेशन m = h′/h, वेयर h′ इज हाइट ऑफ द इमेज, h इज ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और यही किसके इक्वल होता है डियर? -v/u के. ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था. तो m = h′/h = -v/u, यही चीज इसके भी इक्वल होती है. m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज बनती है डियर रियल. रियल इमेज का मतलब रियल इमेज होगी इन्वर्टेड, उल्टी, और ये जो है स्क्रीन पर मिलेगी. किस पर मिलेगी डियर? स्क्रीन पर. और कहां बनती है? मिरर के ठीक सामने. अगर इमेज वर्चुअल बनेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव. ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है. ठीक है, और ये स्क्रीन पर नहीं मिलती है. और ये मिरर के कहां होती है? पीछे होती है, बिहाइंड होती है. ये अगर मिरर है और हम ये चेहरा देख रहे हैं तो इस ओर वर्चुअल इमेज आएगी. समझ में आई बात इतनी? फिर था साइन कन्वेंशन. अब साइन कन्वेंशन क्या है डियर? देखना, ये मिरर है, ये मिरर का पोल. ठीक है, ये कौन सा मिरर है? आपको दिख रहा है ये कॉनकेव है. ठीक है, और ये कौन सा मिरर है डियर? ये है कॉनवेक्स. ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में पोल से अगर आप, अब हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड. देखिए, जिस ओर पॉलिश होती है उसके ठीक अपोजिट साइड, इस ओर से रिफ्लेक्शन होगा. ये पॉलिश अगर बैक साइड है तो चेहरा इस ओर से दिखेगा, और ऑब्जेक्ट भी इसके ठीक सामने रखना पड़ेगा. ये रखा है. ठीक है, और ऐसे ही ये कौन सा डिप्रेस्ड पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए पोर्शन से, और ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? लेफ्ट साइड. ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड. सारी डिस्टेंसेज, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सबके सब डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से. पोल से अगर आप राइट साइड जाओगे डिस्टेंस मेजर करते हुए तो वो जो डिस्टेंसेस मेजर्ड होंगी वो पॉजिटिव में होंगी. पोल से अगर आप डिस्टेंसेस मेजर करते हुए किस ओर आते हैं? लेफ्ट साइड आते हैं. तो उस समय पे पोल से अगर लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस. अगला, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करते हुए तो साइन क्या ले लेंगे? पॉजिटिव. अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर आ रहे हैं डिस्टेंस मेजर करते हुए तो क्या? नेगेटिव. सेम यहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे की ओर आओगे तो नेगेटिव. यानी कि जो कार्टिजन एक्सिस आप पढ़ते हैं, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस. तो जो काम यहाँ ओरिजन का होता है वही काम इसमें किसका होता है? पोल का. तो ओरिजन को सपोज करो पोल की तरह, सॉरी, ठीक है, पोल की तरह. पोल से अगर इधर की ओर गए पॉजिटिव, इधर की ओर आए नेगेटिव, ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव. ये सब करने के बाद आज हम शुरू करते हैं आपका न्यूमेरिकल. तो एक न्यूमेरिकल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे डिया, समझते हुए. ठीक है, अब देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आपको दिया है. न्यूमेरिकल सबसे पहले जो मिरर के न्यूमेरिकल हैं इनमें से एक न्यूमेरिकल आपका 100% या तो लेंस के न्यूमेरिकल या फिर मिरर के न्यूमेरिकल में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड के एग्जाम में रहेगा. और हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में, हर जगह न्यूमेरिकल मिरर या फिर लेंस का आएगा आपका. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं न्यूमेरिकल. इनको समझने से पहले एक चीज़ रह गई थी, मैं रह क्या गई, ये सब बताया हुआ है आपको, रिवाइज करा रहा हूं. कौन सा मिरर है डियर? कॉनकेव. कॉनकेव मिरर है,
पॉलिश उभरे हुए पोर्शन में है तो रिफ्लेक्शन दबे हुए पोर्शन से होगा। इसका जहां सेंटर होगा वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्पेरिकल पार्ट जिस स्पेयर से काट के निकाला है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे पे कौन होता है डियर, फोकस होता है। अब बताइए, खुद ही बताइए, सारी डिस्टेंसेस सेम टू सेम यहाँ भी है। ये जो स्पेरिकल है, ये स्पेरिकल सरफेस है, ये जो स्पेरिकल सरफेस है ये कहीं ना कहीं इस स्पेयर से काट के निकाली है। इसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे पे क्या होता है डियर, फोकस होता है। अब आप बताएंगे पोल से देखिए फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मुझे किस ओर जाना पड़ रहा है, इस ओर जाना पड़ रहा है, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी इसी ओर जाना पड़ रहा है, यानी कि ये फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों किस में आएंगे डियर, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए कैसे होंगी, पॉजिटिव। अब कॉनकेव के लिए देखते हैं, ये पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। अब पोल से आपने फोकस तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए किस ओर आना पड़ रहा है, इस ओर, तो ये पोल से लेफ्ट साइड आओगे तो फोकल लेंथ किस में मेजर करेंगे, नेगेटिव में, और ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आओगे तो ये डिस्टेंस भी किस में मेजर होगी, नेगेटिव में। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसे होंगे, आपका पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये मैंने पहले में बताया हुआ भी है। और इन सपोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, देखिए उभरे हुए पोर्शन में पॉलिश है, रिफ्लेक्शन दबे से होगा तो जिस ओर से रिफ्लेक्शन होगा उसी ओर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इस ओर रख दिया, यहां भी ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, इस ओर रख दिया, समझ में आई बात इतनी। अब देन पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किस ओर आना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है, तो चीजें किस में आई, नेगेटिव में आनी पड़ी। और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट साइड आना पड़ा तो यहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आ रही है, नेगेटिव में। और मैंने पहले ही आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। चलो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, ये आपके हथियार हैं जिनके हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्पेरिकल मिरर के। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, वो जो है कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, उसका नेचर बताना है और उसका साइज बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं उसको लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट की क्या दी है डियर, हाइट। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, एच से, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा खड़ा रहता है डियर, सीधा खड़ा रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा आप क्या रखेंगे, सीधा ही तो रखेंगे, ऐसे खड़ा रखेंगे। और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस कहाँ की, हमेशा हाइट मेजर करेंगे पैरों से, पैरों से कहाँ की ओर गए, ऊपर की ओर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी, इसकी हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ऊपर की ओर गए हैं तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाइट हमेशा कहाँ से मेजर करनी है, पैरों से सर की ओर, तो पैर से सर की ओर मेजर की तो कहां की ओर जाना पड़ा, ऊपर की ओर जाना पड़ा। दूसरा क्या दिया है, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की क्या दी हुई है, फोकल लेंथ,
तो लिख देते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर स्मॉल f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब मैंने अभी अभी बताया था कॉनकेव लेंथ, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये किस में आता है, माइनस में, और पहले भी हम डिस्कस किए हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर स्मॉल एफ ये दे रखा है -20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है डियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगले में हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर डिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, यू से, और वो कितना दिया है डियर आपको, 30 सेंटीमीटर। और ये भी मैंने आपको बताया है कि याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, फिर हम बाद में इसको देखेंगे भी हो कैसे रहे। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कि इमेज आपका मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, यानी कि इमेज डिस्टेंस, यानी कि वी। अब आपके पास एफ है, यू है, आप वी आपस आराम से निकाल सकते हैं। सिंस मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपके पास f है, u है, आप क्या निकाल लेंगे, v। तो निकालिए 1/f कितना दिया है, -20 इज इक्वल टू 1/v कितना दिया हुआ है, v फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना दे रखा है, u है -30। ठीक है, अब 1/-30 इस और आएगा तो क्या आ जाएगा, -1/20। अब ये चलो पहले मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ, -1/20 +1/v, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, प्लस माइनस माइनस -1/30। ठीक है, अब v की वैल्यू चाहिए तो इसको अकेला कीजिए, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। तो ये -1/30 इस और आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/20 +1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब यहां पर 20 और 30 का क्या ले लीजिए डियर, एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो सॉल्व करते हैं इससे आगे, एलसीएम आ गया डियर 60, 20 से 60 कितने टाइम डिवाइड हुआ, 3 टाइम, तो न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 30 से 60 2 टाइम, तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/v। -3 +2 दैट इज -1/60 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, आपको 1/v चाहिए था, नहीं आपको क्या चाहिए था, v। तो आप इस पूरे टर्म का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ में आई बात इतनी, तो पूरे को पलटाने पर इंप्लाइज दैट ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 60/1, और किसी और ये हो जाएगा v/1, और किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, और साथ ही साथ आगे क्या है, -60। तो v इज इक्वल टू आपको मिल चुका है डियर -60। f और u सेंटीमीटर में थे तो v भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, v इक्वल टू आ गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप सॉल्व कीजिए, ये मेरे ख्याल से बेसिक मैथ है, ये आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इतना आप पॉज करके नोट कर लेंगे। देन ये तो मिल गई मुझे पोजीशन ऑफ द इमेज, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब साइज कहाँ आता था, साइज के बारे में डिस्कशन कहाँ होता है, साइज के बारे में
डिस्कशन होता है लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, और ये होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो हमें दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए। आपको हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है, आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v आपके पास अभी भी आया है, u आपको क्वेश्चन में दिया है, सबकी वैल्यू रखेंगे और आपका क्या आ जाएगा, एच डैश बोले तो हाइट ऑफ द इमेज। तो हम शुरू करते हैं। सिंस सिंस मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो यहां से आ गया एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच डैश इक्वल टू माइनस एच इंटू वी अपॉन यू। ठीक है, ये एच इधर भेज दिया तो एच डैश को अकेला कर दिया, एच डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी, एच इधर भेज दिया तो माइनस एच इंटू वी अपॉन यू। अब निकालिए फिर डियर वैल्यू, एच डैश इज इक्वल टू माइनस एच, एच कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इंटू वी, वी आपको दे रखा है -60 अपॉन यू, यू कितना है डियर -20, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, कितने टाइम 3 टाइम। ठीक है, तो एच डैश इक्वल टू कितना आ गया -12 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी, ये हमें क्या मिल गई हाइट ऑफ द इमेज। अब माइनस क्या दिखाता है, तो माइनस ये दिखाता है डियर, अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, तो इमेज जो है आपकी ऐसी बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है। क्यों, अगर आप हमेशा जो हाइट है वो कहां से मेजर करेंगे, पैरों से मेजर करेंगे। ठीक है, अब पैर से मेजर करोगे कहां की ओर मेजर करोगे, सर की ओर, कितना आया 12 सेंटीमीटर, बट कहां की ओर गए हो, नीचे की ओर, तो साइन क्या लग जाएगा माइनस। अब मैंने कहा था रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड, अब उसका उल्टा, हाँ रियल इमेज हमेशा कैसी होती है डियर, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होगी रियल, ये आपस में रिलेशन है, रियल इमेज होगी तो पक्का 100% है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, अगर इन्वर्टेड इमेज है तो 100% है कि इमेज कैसी है रियल। ठीक है, तो नेचर भी हम यहां से देख सकते हैं कि नेचर कैसा आया है भाई, नेचर क्या है, इमेज का रियल है। नहीं तो दूसरा तरीका, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, तो एम इक्वल टू एच डैश हाइट ऑफ द इमेज कितना आया है -12 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4, 4 से 12 कैंसिल 3 टाइम, -3 सेंटीमीटर। तो देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई है, माइनस में आई है, तो माइनस का मतलब आप नीचे से लिख सकते हैं सिंस एम इज इक्वल टू नेगेटिव, या सिंस वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इज कम्स नेगेटिव, देयर फोर द इमेज इज आपका क्या रियल। ठीक है, द इमेज इज रियल, तो आपने पोजीशन फाइंड कर ली -60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लिया -12 सेंटीमीटर, और आपने बता दिया नेचर कैसा है, नेचर है आपका रियल, इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। तो इसको फिर से समझते हैं, ये हो क्या रहा है, इसको मैं बिल्कुल मिरर के सामने एक फिगर से आपको दिखा देता हूं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि आपके पास कैसा मिरर था, सबसे पहली बात आपके पास कॉनकेव मिरर था। ठीक है, देखिए बल्ज पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा दबे हुए पोर्शन से, डिप्रेस्ड पोर्शन से, और मिरर बन गया डियर कॉनकेव मिरर। यहां पर इसके सेंटर पे क्या हो गया आपका पोल। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं जिस स्फीयर का हिस्सा होगा वो होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल के ठीक आधे पर कौन होगा डियर फोकस। ठीक है, अब आपको क्या था कि आपको ये है भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो कि कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहां कोई जिक्र नहीं है तो मैं इसको हटा भी सकता हूं। ठीक है, अब पहला क्या दिया था आपको, फोकल लेंथ दी थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
देखिए सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल से फोकल लेंथ, पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किस ओर आना पड़ा, लेफ्ट साइड आना पड़ा, कितना आना पड़ा, 20 सेंटीमीटर। अब आप लेफ्ट साइड आए हैं तो लेफ्ट साइड साइन क्या लगता है, माइनस। देयरफोर जब आपने एफ लिखा, एफ के आगे क्या लिखा, -20 सेंटीमीटर। और आपको याद हो जाना चाहिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है, फोकल लेंथ कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ये आपका फोकस है, ठीक है। और मिरर से फोकस तक आने के लिए देखिए, अब फोकस कहाँ होगा इसका, इसी ओर होगा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक आधे पे कौन, फोकस। पोल से कहाँ आना पड़ा, लेफ्ट साइड आना पड़ा, लेफ्ट साइड आने पर साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और कितना आना पड़ा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। समझ में आ रही है बात इतनी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ था, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब खुद ही बताइए पोल से ऑब्जेक्ट तक आने के लिए किस ओर आना पड़ा भाई, लेफ्ट साइड आना पड़ा, किस ओर आना पड़ा, लेफ्ट साइड। तो इस कितना आना पड़ा, 30 सेंटीमीटर। मिरर से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए, पोल से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए 30 सेंटीमीटर आना पड़ा, किस ओर, लेफ्ट साइड, इस ओर। और इस ओर साइन किस में लिया जाता है, माइनस में, इसलिए यू भी आपने क्या लिया था, -30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी। अब वी की वैल्यू कितनी, और एक और चीज थी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा खड़ा रहता था डियर, सीधा। आपने कई फिगर बनाए, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा खड़ा रहेगा, सीधा। अब हाइट नापिए, कहां से नाप रहे हैं, पैरों से नाप रहे हैं, कहां की ओर, ऊपर की ओर। समझ में आई बात इतनी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कहां की ओर जाना पड़ा, ऊपर की ओर जाना पड़ा, कितना जाना पड़ा, 4 सेंटीमीटर। जब आप ऊपर जाएंगे तो साइन कैसा लेंगे, प्लस में लेंगे, इसलिए आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लिया, +4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी। देन अब आपको क्या मिला है, जो इमेज की पोजीशन है, इमेज डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, 60 सेंटीमीटर मिला हुआ है, लेकिन उसके आगे साइन क्या लगा है, माइनस। इसका मतलब पोल से 60 सेंटीमीटर इस ओर जाना है कि इस ओर आना है, तो पोल से 60 सेंटीमीटर माइनस बोले तो इस डायरेक्शन में आना है, यहां से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड आने पर आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। समझ में आई बात इतनी। एच डैश कितना आया, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इमेज इन्वर्टेड बनी है और आपको प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर आना पड़ा, कितना आना पड़ा, -12 सेंटीमीटर आना पड़ा, सॉरी कितना आना पड़ा, 12 सेंटीमीटर, माइनस साइन बोल रहा है, नीचे की ओर आ रहे हैं। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल, मतलब कि एक्चुअल में लाइट रे एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और यहां पर स्क्रीन लगाने पर स्क्रीन पर वो इमेज मिलती है। तो चाहो इसका एक कंप्लीट फिगर बना देते हैं, कंप्लीट फिगर बोले तो रे डायग्राम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर, ये इसका क्या हो गया, पोल, बल्ज पोर्शन में पॉलिश है, यहां कहीं इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनके ठीक हाफ पे कौन होगा, फोकल पॉइंट होगा, इनसे जाने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस। क्वेश्चन में गिवन है आपको फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से 20 सेंटीमीटर चलने पर आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा, लेफ्ट साइड की ओर आ रहे हैं पोल से, इसलिए एफ कैसा लेंगे, -20 सेंटीमीटर लेंगे। अगला इमेज दे रखी, ऑब्जेक्ट दे रखा आपको, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। अब बताइए जिस ओर पॉलिश होती है, आपके घर का जो मिरर है, आपके घर का जो मिरर है उसमें आप चेहरा किस ओर से देखते हैं, जिस ओर पॉलिश है कि जिस ओर नहीं है, तो आप चेहरा उस ओर से देखते हैं जिस ओर पॉलिश नहीं होती है। तो जब पॉलिश उभरे हुए पोर्शन में है तो चेहरा आप कहां से देखेंगे, जहां पॉलिश नहीं है, दबे हुए पोर्शन से, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका इस ओर रखा है। और कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है डियर, आपका रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, पोल से
30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। वैसे 30, अगर 20 यहां पर हो रहा है तो अप्रोक्स 30 यहां पर मान लेता हूं, यहां पर 30 पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पोल से आपको किस ओर आना पड़ा, लेफ्ट साइड, तो यू कैसा ले लिया, -30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी। अब देखिए, एक लाइट रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी लाइट रे भेजी मैंने डियर फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर क्या बनेगा डियर, हेड बनेगा। वहां पर क्या बना, हेड, ठीक है। और ये लाइन भी ऊपर की ओर आ रही है, अगर इसको मैं बिल्कुल सीधा करूंगा तो ये कहीं यहाँ है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, हेड और पैर कहां रहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो आपको दे रखा है इमेज कहां पर बनी है, यहां पर, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से इधर की ओर कितना आना पड़ा डियर, 60 सेंटीमीटर आना पड़ा। यहां तक कितना आना पड़ रहा है, 60 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो साइन हमने क्या लिया, वी के आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसी बन रही है, रियल। समझ में आई, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज कैसी है, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इन्वर्टेड है इसलिए हाइट ऑफ द इमेज कितना आया था, एच डैश -12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट कहां से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो उसकी हाइट जब मेजर करेंगे तो पैरों से, और पैरों से कहां की ओर जाना पड़ा, नीचे की ओर जाना पड़ा, तो साइन आगे क्या लग गया, माइनस लग गया, और क्या आ गया, -12 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात इतनी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं और हमारी क्लासेस काफी गैप गैप में हो रही हैं। आप पिछले वीडियोस बिल्कुल आपके क्या होने चाहिए, आप देख करके पुराने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, ठीक है, पूरे क्लियर रखें। तो जिसके पूरे क्लियर होंगे तो मुझे लगता है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके का ये यहाँ पर कुछ हो रहा है, ठीक है, यही आपको कुछ ढूंढना था। तो आपका ठीक है, वी भी आ गया, ये भी आ गया, नेचर पूछा था तो रियल रियल और इन्वर्टेड। और जो हमेशा एक बात ध्यान देना कि जो रियल इमेज होगी, रियल इमेज हमेशा मिरर के इस ओर बनती है, जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड रियल इमेज बनती है। अगर वर्चुअल इमेज बनती थी तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो मिरर के पीछे यहाँ बनती है, आपने देखा होगा। और लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है, स्क्रीन पर नहीं मिलेगी, और इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है इन केस ऑफ वर्चुअल, रियल में इन्वर्टेड, एक्चुअल में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते समय, ठीक है, जो मैंने की पॉइंट्स वाला एक वीडियो इससे पहले बनाया था जस्ट, वो आपको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। कुछ की पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ कॉनकेव की कैसी होगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स की कैसी होगी, पॉजिटिव। और यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव आपका नेगेटिव और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन है, एंड और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज। ओके, तो जो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले लिखते हैं। गिवन है, गिवन हाइट, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आपको हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। और फ्री में फिगर में भी दिखा दिया, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा रहता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर आएंगे, पैरों से हाइट नापेंगे सर की ओर, तो ये कितना आया, 3 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में जाना पड़ा, ऊपर की ओर, तो साइन कैसा लेंगे डियर, पॉजिटिव। तो ये आ गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर। अगला, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो लिखते हैं इसमें अगला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको डिनोट किया जाता है यू से, और ये कितना आ रहा है डियर? 10 सेंटीमीटर, और यू हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड फोकल लेंथ दे रखी है कॉनकेव की, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ये आपको गिवन है, और फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से, और वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव, साइन क्या आ गया आगे से? नेगेटिव। अब आपको क्या फाइंड करना है? पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन बोले तो इमेज की आपको पोजीशन फाइंड करनी है, इमेज का नेचर और इमेज का साइज। इमेज की पोजीशन बोले तो इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, तो वी ढूंढने के लिए हमारे पास यू और एफ है, हम आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला पे। सिंस मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon f = 1 upon v plus 1 upon u। तो हमें 1 upon v की वैल्यू चाहिए, तो हमें v चाहिए, तो बाकी इस ओर भेज दिया, 1 upon f minus 1 upon u = 1 upon v। ये u इस ओर आया, साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वैल्यू पुट कीजिए, 1 upon f कितना है? f है minus 1 upon u, u कितना है? -10 = 1 upon v, ठीक है। अब -1 upon 20, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 1 by कितना? 10 = 1 by v। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लीजिए, 20 और 10 का कितना आ गया? 20, 20 से 21 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 10 से 22 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई, 2 into 1, 2 = कितना? 1 by v। 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 by 20 = 1 by v। तो अब आपको यहां से v निकालना है, तो या तो पूरे का रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v into 1 v 20 into 1 20, तो v = कितना आ गया डियर? 20 सेंटीमीटर। इस बार v कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ये खास बात है, ठीक है। अब अगला हमें चाहिए, अगला चाहिए साइज, ठीक है, और नेचर। तो m इक्वल टू आप जानते हैं, ठीक है, m, यू नो दैट लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब आपके पास m तो है नहीं, इसको रहने दीजिए, हम कंपेयर करेंगे h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u को। अब ये एच डैश यानी कि हाइट ऑफ द इमेज ये हमें चाहिए, ये एच यहां जाके मल्टीप्लाई में माइनस वी अपॉन यू इंटू क्या हो गया? एच। आपके पास वी है, यू है, एच है, तो क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी कितना आया हुआ है डियर? 20 अपॉन यू कितना है? -10 इंटू एच कितना है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 कैंसिल 2 टाइम, तो एच डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब ये आ गई हाइट ऑफ द इमेज, और इस बार हाइट ऑफ द इमेज भी कैसी आ रही है? पॉजिटिव। अब अगली बात है कि आपका नेचर, तो नेचर इसका आना है डियर वर्चुअल। कैसे आना है?
अगर मैग्निफिकेशन आपका रियल है कि वर्चुअल है ये ढूंढना है, तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है कैसे ढूंढना है फॉर्मूले से, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल, अगर मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव तो इसका मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज कितना आया है 6 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, क्वेश्चन में गिवन था 3 सेंटीमीटर, ये गया 3 से 6 गया 2 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी गया, तो मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको दिख रहा है कि एम कैसा आ रहा है, एम आ रहा है पॉजिटिव। एम कैसा आ रहा है डियर, पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज कैसी बनी हुई है, वर्चुअल बनी हुई है। तो आप नीचे से लिख दीजिएगा, सिंस एम इज लीनियर मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज कम्स पॉजिटिव, दियर फोर दियर इज फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, सिंस आपका एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए यहाँ पर कैसी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी। इसको भी एक बार मैं आपको रे डायग्राम से दिखा देता हूँ। ठीक है, रे डायग्राम से बनाते हैं। ठीक, ये आपका स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस के बल्ज पोर्शन में पॉलिश की तो रिफ्लेक्शन होगा दबी हुई सरफेस से। इसका जो मिड पॉइंट है उसको बोलेंगे डियर पोल। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ, ये कहीं ना कहीं इस स्फीयर का हिस्सा है, तो जिस स्फीयर से काट के इसको निकाला है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच पे कौन होता है, मिड पॉइंट पे फोकल पॉइंट, इन सबसे जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो आपका फोकल पॉइंट है वो मिरर के किस ओर आया है, लेफ्ट साइड आया हुआ है। तो मैं इनको थोड़ा सा सही जगह पे बना देता हूँ, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जरूरत फिलहाल मुझे नहीं है। आपको सबसे पहले क्या दिया था, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर और मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मिरर से रखा था वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब देखिए पॉलिश उभरे हुए पोर्शन में है तो चेहरा दिखेगा दबे हुए पोर्शन से, तो ऑब्जेक्ट भी रखना पड़ेगा इसी ओर, और ऑब्जेक्ट जो है आपका कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, पोल से मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए पोल से आपको किस ओर आना पड़ा, लेफ्ट साइड, तो सो यू कैसा लेना पड़ा, -10 सेंटीमीटर, और याद कर लीजिए यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो पोल से आप लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड आ रहे हैं कितना आ रहे हैं 10, लेफ्ट आ रहे हैं तो माइनस साइन, राइट इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। अगला क्या दिया हुआ है आपको, फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ कितना आया दिया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए पोल से फोकल पॉइंट तक कितना आना पड़ा, 20 सेंटीमीटर आना पड़ा, किस ओर आना पड़ा डियर, लेफ्ट साइड आना पड़ा, डियर फोर्स एफ बी में मैंने कैसा लिया, एफ बी मुझे लेना पड़ा -20, क्यों, क्योंकि फोकल पोल से किस ओर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। ठीक है, और आपका यू बी कैसा लेना पड़ा, माइनस में, क्योंकि 10 सेंटीमीटर कहाँ की ओर आना पड़ा, लेफ्ट की ओर आना पड़ा। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पैर से कहाँ की ओर जाओगे मेजर करना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करोगे, पैर से मेजर करोगे, हाइट ऊपर की ओर जाना पड़ा और कितना जाना पड़ा 3 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना आ गया डियर 3 सेंटीमीटर, कहाँ की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इतना। अब इसके लिए फिगर भी बनाते हैं। अब क्या क्या हुआ होगा, एक लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होके चली गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे, ठीक है, फोक ये यहां कहीं इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल जितनी पोल से फोकल लेंथ है उसके ठीक डबल पे कौन होगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइट रे इस तरीके से आई जो इसके हेड को क्या करती हुई, टच करती हुई निकल गई। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइट रे पीछे की ओर आने पर एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे एक इधर की ओर जा रही है, एक इधर की ओर। इनको कितना ही आगे बढ़ाओ ये एक दूसरे से क्या हो रही है, दोनों लाइट रे दूर दूर होती जा रही हैं। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या इसका मतलब इमेज नहीं मिलेगी? आंसर है मिलेगी। ये फैल रही है ना, तो मिल आगे की ओर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इनको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, इनको पीछे की डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं इस पॉइंट पे मिल रही है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो जहां पर मिली वहां पर क्या बनेगा? हेड बनेगा। पैर कहाँ रहेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस पे। अब बताइए वी कितना आया था? 20 सेंटीमीटर। यानी कि पोल से आपको किस ओर जाना है? राइट साइड। क्यों? क्योंकि साइन कैसा आ रहा है भाई, आपको खुद दिख रहा होगा साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यानी कि पोल से कहां की ओर? राइट साइड में। कितना जाना पड़ा? 20 सेंटीमीटर। सो वी कैसा आ रहा है? प्लस में। ये पोल से इमेज को ढूंढने के लिए राइट साइड जाना पड़ा, इसलिए इमेज डिस्टेंस कितनी आई पॉजिटिव में? कितना? 20 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट ऑफ द इमेज एच डैश, ये कितना आया है? 6 सेंटीमीटर। पैर से हाइट मेजर करने के लिए कहाँ की ओर गए? ऊपर की ओर गए। कितना गए? 6 सेंटीमीटर गए ऊपर की ओर। हाइट मेजर करने के लिए कहाँ की ओर गए? ऊपर की ओर गए। और कितना गए? 6 सेंटीमीटर। तो +6 सेंटीमीटर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कितना आया? हाइट ऑफ द इमेज भी कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको दिख रहा है यहां पर एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट करती हुई अपियर हो रही है। क्योंकि ऐसा था ना, ये लाइट रे भी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे जा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है। जैसे जैसे आगे की ओर एक्सटेंड हो रही है, जैसे जैसे आगे की ओर एक्सटेंड हो रही है, ये एक दूसरे से दूर हो रही है। तो कितना ही आगे पहुंच जाओ, इंफिनिटी में भी पहुंच जाओगे तो ये नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको पीछे की ओर इंटरसेक्ट करने पर ये यहां पर मिलती हैं। तो ये जो इमेज है ये इमेज कहलाएगी वर्चुअल इमेज। और आपको दिख रहा है वर्चुअल इमेज कैसी बनी हुई है, इरेक्ट बनी है। तो कुछ सिम्टम्स हैं, सब आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आपका इमेज इरेक्ट है तो आपको समझ जाना चाहिए इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड है, अगर आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, तो इमेज कैसी है, रियल। रियल इमेज पर्दे पर मिलती है, स्क्रीन पर मिलती है, इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती है। इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो देखिए, अगर आप यहां पर स्क्रीन लगाएंगे तो लाइट रे, ये आई लाइट रे टकराई वापस लौट गई, ये लाइट रे भी आई टकरा के वापस लौट गई। यहां पॉलिस है ना, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन लौट गई। तो यहां तो कोई लाइट रे गई नहीं, एक लाइट रे यहां टकराई टकरा के वापस लौट गई। यहां तो कोई लाइट रे जा नहीं रही है, तो यहां पर यहाँ कोई लाइट रे, कोई लाइट एनर्जी नहीं जा रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, हमें केवल यहाँ जो आई होती है उस आई को ऐसा क्या होता है, आभास होता है कि इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, ये केवल आभास होता है, एक्चुअल पे यहाँ पर नहीं बनती है। अगर स्क्रीन लगाओगे तो आपको इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला सिम्टम आपने देखा था पिछले केस में कि ये मिरर था, इससे पिछले क्वेश्चन में मिरर के कहां बन गई थी, ठीक सामने बन गई थी इमेज। ठीक है, मिरर के कहां बन रही है, सामने बन रही है, तो इमेज कैसी है, रियल। ये जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा है, जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा है उसी ओर इमेज बन रही है, तो इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल। जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा है उसके ठीक अपोजिट साइड अगर इमेज मिल रही है तो इमेज कैसी है, रियल, वर्चुअल है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके ठीक पीछे साइड, मिरर के ठीक
बिहाइंड पीछे साइड आपका क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, मिरर के ठीक सामने क्या मिलती है, रियल इमेज बनती है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप चाहें तो नीचे से लिख देंगे आपको क्या क्या पूछा था, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज। तो इसमें लिख देंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मिरर के कहाँ बनी थी, पीछे बनी थी, एट 6 सेंटीमीटर, सॉरी वी आया था 20 सेंटीमीटर। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉनकेव मिरर एट 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दी इमेज इज 6 सेंटीमीटर एंड इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, और इमेज की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डियर इतना आप पढ़िएगा, और पुराने जो वीडियोस हैं वो भी पूरे देखे होने चाहिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए क्लियर होने चाहिए। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यू कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव की, याद कर लो, फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव होगी। ठीक है, और फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स की, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा, ऑलवेज ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा होता है, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसी लेनी है, पॉजिटिव। यू कैसा लेना है, नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। ठीक है, फिर आपको अभी थोड़ा सा उतना अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो हार नहीं माननी है, चीजों को सीखना है, समझना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछिए पूछिए, लेकिन शांत नहीं रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।